हेलो नमस्कार, रंगमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के संबंध में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। अतिथि शिक्षकों की नए तरीके से भर्ती प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को पुराना वेतन अभी तक नहीं मिला। पुराने वेतन के लिए अभी भी मोहताज है अतिथि शिक्षक। नया सत्र जबकि प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके बारे में विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। नया सत्र प्रारंभ। अतिथि शिक्षक पुराने वेतन के लिए मोहताज। जिला शिक्षा अधिकारी ने शोषणकारी मानसिकता के कारण अतिथि शिक्षक पिछले 10 माह से वेतन के लिए 45 डिग्री तापमान में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय व जिला कलेक्टर के लगा रहे हैं चक्कर। फिर भी वेतन नहीं मिल पा रहा है और ना ही किसी के द्वारा संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जन सुनवाई प्रभारी श्री त्रिपाठी के द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को जन सुनवाई में कलेक्टर द्वारा 3 दिन में निराकरण करने का आदेश दिया गया था, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी नीरज दीक्षित की हठ धर्मता के कारण आज दिनांक तक अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया है। लोक शिक्षा विभाग द्वारा 8 एवं 29 मई के बजट आदेश में स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों का लंबित भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी को शोषणकारी मानसिकता के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शंभुचरण दुबे ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों का भुगतान नहीं किया जाएगा तो जिला कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी के साथ वेतन न मिलने पर जिले के समस्त अतिथि शिक्षक इच्छा मृत्यु की गुहार लगाएंगे। जन सुनवाई में प्रदेश सचिव सत्येंद्र सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार सेन, जिला सचिव केसी और जिला संगठन मंत्री पंकज मिश्रा, अतुल सेन, महेंद्र पांडे, कोमल प्रजापति के साथ सैकड़ों अतिथि शिक्षक उपस्थित थे। अतिथि शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अतिथि शिक्षकों का वेतन उनके अकाउंट में नहीं आया तो ये स्कूलों का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश भरे में आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार ने भी आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अतिथि शिक्षकों के जो भी समस्या उसका निराकरण किया जाए, लेकिन अभी तक शिक्षा अधिकारी इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।